जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। आज दिनांक 10 अगस्त है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के आलू के भाव की और आलू के भविष्य की। आगे चल के आलू का भाव कैसा रहेगा, मतलब, और अभी तक निकासी का क्या पोजीशन है, और हसन को लेकर के भी कुछ बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें कि दिखाया जा रहा है हसन में इतना नुकसान हुआ है, हसन में इतना फायदा हो गया है, हसन के आलू की इतनी खुदाई चल रही है, ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। चलिए कोई नहीं, हसन का जो भी आप लोगों का डाउट है, जो कर्नाटक के हसन में आलू की फसल बोई जाती है, वो अभी अगस्त के महीने में उसकी खुदाई जारी हो गई थी। दरअसल क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया और खुदाई वहीं की वहीं रुक गई। मतलब हसन का जो है आलू की खुदाई चल रही थी, जो मार्केट में आलू पहुंच रहा था, वो बिल्कुल बंद और बिल्कुल ख़त्म। मतलब ख़त्म का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब वहाँ पे बारिश हो गया इसलिए खुदाई बंद हो गई है। दूसरी बात ये है कि मैं अब भी यही कह रहा हूँ, तब भी यही कहता था कि देखिए, सबसे पहली बात है, हसन के आलू से हम लोगों पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी मतलब ही नहीं बनता है कि कोई फ़र्क पड़े। ये तो सिर्फ एक अफवाह होती है हसन को लेकर के किसानों को भ्रमित करने की, जिससे कि हमारे प्यारे किसान भाई इस अफवाह में आकर और भ्रमित हो जाते हैं और एकदम उनके मतलब जो है पैर डगमगा जाते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं कि हमको अपने आलू को रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। जैसा कि किसान साथियों, आप लोगों को मैं बताता आया हूँ कि आप लोग अपने अपने आलू की बिक्री अपने हिसाब से करो। हमारा काम है जानकारी देना, हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि फला फला जगह पे ये भाव चल रहा है और निकासी इतनी हो गई है और स्थिति ये है, अब आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो करना क्या है। चलिए कोई नहीं, हसन के बारे में आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित ना हुआ करें, हसन को भूल जाओ, हसन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आलू के भाव की। सबसे पहले अगर बात की जाए आगरा क्षेत्र की, तो आगरा क्षेत्र में जो आलू का भाव है वो 850 से लेकर और 950 रुपए प्रति कट्टा, जिसमें वजन 52 किलो 300 ग्राम मिलता है, और ये सब दाम है, भाड़ा आड़ा लगा के सब कुछ, मतलब 850 से लेकर और 950 रुपए, और इक्का दुक्का गाड़ी जो है आपकी 75-85, और मतलब आज क्या है, आज मंडी में थोड़ा सा करंट दिखा है, मतलब आज अगर कह सकते हैं कि आलू के भाव में आगरा क्षेत्र में आज उछाल देखने को मिला है। जो लोग आगरा से देख रहे हैं क्लियर जरूर कर दें कमेंट बॉक्स में कि आज आलू के दाम में उछाल दिखा या नहीं। अब वहीं अगर हम बात करें आपकी फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद में आपका 37-97 जो आलू है वो 800 से लेकर और 850 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित, मतलब मुख्य दाम माने जाएंगे तो 800 से लेकर 825 रुपए तक, और ख्याति पुखराज 700 से लेकर 711 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित, और वही न्यू हाईलैंड 750 से लेकर और 800 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड के भाड़ा सहित बिक रहा है। सिर्फ सोना आलू की बात करेंगे तो 850 से लेकर और 900 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है। वहीं बात करेंगे कन्नौज की, तो कन्नौज में न्यू हाईलैंड आलू 600 से लेकर 625 रुपए प्रति कट्टा, अभी क्या था मतलब आपका 650 रुपए भी बिक्री हो रहा था, लेकिन अब क्या है वहां पे अभी न्यू छाल दिखा है, लेकिन संभवतः क्या है कि अभी इस ये बहुत सारे पर्व चल रहे हैं, मुहर्रम, ताजिया और आपका रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस, मतलब 15 अगस्त भी है, तो इन सब छुट्टियों से निपटने के बाद लोग अपने अपने कामकाज में लगेंगे और संभवतः आलू का दाम जरूर बढ़ेगा। नहीं बात करें सिंदूरी आलू की, तो वो आपके 650 से लेकर 750 रुपये चिप्स होना है, 650 से 750 रुपये चिप्स होना आलू, और तंदूरी 500 से 550 रुपए, और कोल्ड वाला आपको इसमें अलग से प्लस करना होगा जितना भी वहां पे लगता हो। और क्या है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि निकासी कितना क्या परसेंट हो रही है। देखिए निकासी जो है अपनी जगह पे ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी पूछा था कि पिछले साल इस समय कितना निकासी हुआ था,
पिछले साल इस समय लगभग, मतलब हम लोगों की नॉलेज से बता रहे हैं, लिखत में हमें नहीं पता है, हम लोगों की नॉलेज से लगभग 40% आलू की निकासी हो चुकी थी पिछले साल 2021 में। अब 2022 में अभी तक निकासी जो है संभवतः 30% हुई है, और कहीं कहीं मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह थे अलग अलग निकासी हुई है। देखिए अगर क्या है कि हमारा जो आलू का भाव है, टोटल आलू का भाव हमारी लोगों की निकासी पे डिपेंड करता है, हम लोग कैसी क्या निकासी कर रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, मतलब निकासी जो है अगर सही रूप से होती रहेगी तो आलू का दाम अच्छा मिलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और निकासी नहीं होगी, निकासी बहुत ज़्यादा स्लो है, और निकासी अगर नहीं होगी तो भाई साहब ध्यान रखो आलू जो है इससे डाउन भी जा सकता है। इससे बढ़िया यही है कि लंबे लंबे बड़े बड़े काश्तकार हैं जिनके पास 1,000-2,000 कट्टे हैं, उनमें से कुछ कट्टों को आप बिक्री कर सकते हो, और हमारे जो छोटे छोटे किसान भाई हैं वो अपने हिसाब से आपको जब आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको जब जैसी ज़रूरत हो, आपको लगे कि अब हमें सही लग रहा है, मतलब तब आप अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं। बात बाकी ये मेरा अनुमान क्या है आलू के भविष्य को लेकर के, मेरा अनुमान सही है, अगर निकासी इसी तरीके से चलती रही, मतलब थोड़ा सा स्पीड और पकड़ जाए तो आलू का भविष्य और भी अच्छा हो सकता है। अब अगर वीडियो पसंद आया हो और हसन के बारे में झंझट ना करो, हसन को बोल जाओ हसन है ये नहीं, ठीक है, हसन को मतलब हम लोगों को मतलब ही नहीं होता है, सीधी बात समझो, चार बातें करो, चार बातें पढ़ेंगी, चार बातें होगी, लेकिन हसन से कोई बात नहीं करनी है। हसन में जितना भी आलू होता है होता आया है, और अब से नहीं हमेशा से, और क्या था जब सोशल मीडिया नहीं था तब हम लोग समझ भी नहीं पाते थे कि कब आलू आया और कब चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बस यही है कि हसन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है 2022 में।